नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ की मीनगर तहसील की ग्राम सभा गोपालपुर में रास्ते में बने मकान को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गोपालपुर में प्रधान नारंगी देवी के द्वारा एक खड़ंजा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बन रहे चकमार्ग के बीच धर्मेंद्र चौहान का मकान खड़ंजा के बीच में बना हुआ है। वहीं प्रधानपति बाबूराम चौहान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ग्रामीण द्वारा कहा जा रहा है कि वह धर्मेंद्र चौहान से मिलकर उनके बने मकान को हटवाने के बजाय अन्य लोगों के निजी खेत में खड़ंजा बनवाने का प्रयास प्रधान द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऐसा न्यायहित के विरुद्ध है। वही उक्त ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री व प्रदेश सरकार की योजना के तहत अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां कोई आवास व शौचालय भी नहीं मिला है। ग्रामीणों ने यह भी प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान द्वारा आवास व शौचालय पात्रों को न देकर अपात्रों को दिया जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि साफ सफाई से लेकर नाले खड़ंजा का भी कोई कार्य मानक के विपरीत होता है। खड़ंजा में घटिया किस्म के मटेरियल लगाकर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया जाता है। ग्राम सभा में कई लोगों ने यह भी बताया कि हम लोग कास का छप्पर रखकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खैर, यह तो जांच का विषय है। रास्ते के विरोध में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। देखना है कि जांच में क्या कार्रवाई होती है। पड़ेगा आपका रामचंद्र चौहान। गाँव कौन सा है? गोपालपुर। थाना क्या लगता है? थाना में नगर। तहसील क्या है? तहसील में नगर। आपको आवास मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। नहीं सर। शौचालय भी नहीं मिला है। नहीं। राशन कार्ड आपका है? जी। राशन मिलता है। अच्छा, समस्या क्या है? डीएम साहब के पास गए थे, क्या मामला है? तो साहब, यही मामला है कि धर्मेंद्र चौहान प्रधान को मिलाकर हमारे खेत में मिट्टी फैलाकर जबरदस्ती खड़ंजा लगवाना चाहते हैं। ये दबंग आदमी हैं, इनके ऊपर कई धाराएं हैं, 325, 307, 504, 506 और अन्य धाराएं हैं, लेकिन प्रधान ने मना करने पर तभी प्रधान नहीं मान रहे हैं। हमारा मुकदमा एसडीएम साहब के यहाँ चल रहा है। अच्छा, ये आवास आपको नहीं मिला, प्रधान जी से इसकी शिकायत आप की? प्रधान जी के यहाँ गए थे हमारे पिताजी, प्रधान से कहे लेकिन प्रधान नहीं माने। हमारी कॉलोनी लिखी गई थी, धर्मेंद्र चौहान ने मिलकर प्रधान से हमारी कॉलोनी कटवा दी। घूर खरियान को बोल रहा हूँ, और बिघान एक बीघा कम से कम घूर गड्ढे की जमीन हड़पे हैं, उसमें हमारा 5 पेड़ आम और बसवार और 4 पेड़ शीशम थी, वो सब कुल ले लिए, हड़प लिए, और हमारे पिताजी को मारे। और एक तरफ प्रधान ने, एक तरफ खड़ंजा लगवा दिया। प्रधान हमके भी ढकेल देना, जबरदस्ती हमारे खेत में, अपने खेत में जबरदस्ती से। और सेक्रेटरी साहब को खबर दिए 112 नंबर पर, और लेखपाल और कानीगोज साहब मने किए, लेकिन कानून का अवहेलना करते हुए प्रधान ने जबरदस्ती हमारे उत्तर तरफ खड़ंजा लगवा दिए। जो प्रधान जी खड़ंजा लगवाए, वो जमीन कैसी थी? वो हमारे चक में, आपके चक में लगा, 20/24 कराए थे। कानून को साहब नाप के गया, माने किए कानून साहब, 5 बजे माने किए, लेकिन नहीं माने। और इस तरफ हमारा भी चक है, इस पर भी प्रधान चाहते हैं कि हम खड़ंजा धर्मेंद्र चाहते हैं कि लगा लें।